पहले मीडिया से आए हमारे सारे जितने भी सज्जन हैं सबका हम स्वागत करते हैं। और आज हमारी पार्टी के लिए अगर बहुत बड़ी खुशी की ना कहूँ तो खुशी की बात है कि आज सबसे यंगेस्ट पार्टी अगर मैं कहूँ पंजाब की, आम आदमी पार्टी पंजाब, आज वो अपने पहले ही प्रयास में, पहली बार हमने पंजाब में कॉन्टेस्ट किया है, वहाँ की रूलिंग पार्टी श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी को थर्ड नंबर पे पछाड़ते हुए आज वो सबसे बड़ी ऑपोजिशन बन के सामने आई है विधानसभा में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। ये हमारा पहला प्रयास था, एक संघर्ष था ये पंजाब में हमारा। उसमें हमारे एक यूनिट में अगर मैं बोलूं तो 22 सदस्य विधानसभा में पहुंचे हैं, जिनमें से 20 हमारे आम आदमी पार्टी के और 2 सदस्य हमारे सहयोगी दल लोक इंसाफ पार्टी से हमारे साथ जो मिलके इस संघर्ष में लड़े वो भी पहुंचे हैं विधानसभा में। और आज हमारी जो पार्टी की यहाँ मीटिंग थी उसका सबसे बड़ा आज जो एजेंडा था, विधानसभा में अपना ऑपोजिशन का लीडर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को का चयन करना और चीफ व्हिप का चयन करना। तो आज माननीय हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब की अगुवाई में जो मीटिंग की गई, हमारे सारे सदस्य जो चुन के आए हैं सारे विधानसभा में वो भी शामिल रहे इस कार्यवाही में, और सब ने एक मत होके सर्वसम्मति से हमारे सीनियर लीडर इस पार्टी के जनाब HS फूलका साहब को विधानसभा में अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया है। और उसके बाद मैं जिक्र करूंगा हमारे एक और बड़े ही एक्सपीरियंस्ड साथी सुखपाल सिंह खैरा, जो पहले एक बार विधानसभा में रह भी चुके हैं पास्ट में, हमारे बहुत ही तजर्बेकार और बड़े ही उम्दा लीडर हैं हमारी पार्टी के, इनको चीफ व्हिप आज चुना गया है, वो भी सर्वसम्मति से चुना गया है। और ये दोनों लोग जहां नुमाइंदगी करेंगे हमारी पार्टी की विधानसभा में, वहां आज पार्टी में इन हाउस डिस्कशन हुई है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो पहली बार विधानसभा में जा रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने उनको उनका रोल बताया, उनकी जिम्मेदारियां बताई और कार्यशैली कैसी होनी चाहिए हमारी, वो शालीनता जो हमारी पहचान है आम आदमी पार्टी की, उस शालीनता की बात की। और पंजाब के लिए जो संघर्ष हमने शुरू किया था, केजरीवाल साहब ने बताया कि वो संघर्ष अब शुरू होता है। इस मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी था जहां पे बैठ के हम संवैधानिक रूप से संघर्ष कर सके। पहले व्यक्तिगत रूप से हम लोग संघर्ष कर रहे थे या एक पार्टी के रूप में, अब संवैधानिक रूप में हम लोग ये संघर्ष करेंगे। तो आज जो हमारे साथ सदस्य चुन के आए हैं विधानसभा के लिए, मैं चाहता हूँ एक बार उनसे इंट्रोडक्शन आपकी भी करवा दूँ। सबसे पहले हमारे विधानसभा के जो एक सेकंड जो लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं जनाब HS फूलका साहब, और जिनको चीफ व्हिप चुना गया है जनाब सुखपाल खैरा साहब। तो मैं आप बताना चाहूँगा हमारे सबसे पहले उधर से मास्टर बलदेव सिंह जी, ये हमारे नए सदस्य चुन के आए हैं। मिस्टर अमन अरोड़ा जी, ये सुनाम से चुन के आए हैं, तलवंडी साहबों से प्रोफेसर बलजिंदर कौर जी चुन के आए हैं। हरपाल सिंह चीमा जी, ये दिड़बा से चुन के आए हैं। मौड़ से जगदेव सिंह कमालू साहब चुन के आए हैं। परमल सिंह ये पदौड़ से चुन के आए हैं। और हमारे करनैल सिंह कुलवंत सिंह पंडोरी साहब ये महल कलां से चुन के आए हैं। सरदार नाजिर सिंह मानसा ये साहब ये मानसा से चुन के आए हैं। बीबी सरबजीत कौर मानू के ये जगराओं से चुन के आई हैं। संधोवा साहब अमरजीत सिंह संधोवा रोपड़ से चुन के आए हैं। हमारे मनजीत सिंह बिलासपुरी निहाल सिंह वाला से चुन के आए हैं। सरदार जगतार सिंह हिस्सोवाल ये रायकोट से चुन के आए हैं। हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और बड़े ही सारे हमारे मैनिफेस्टो के जो चीफ रहे हैं, जो जो सारा मैनिफेस्टो इनकी देख रेख में बना है, तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जनाब कमर संधू साहब, ये खरड़ से चुन के आए हैं।
सरदार कुलतार सिंह संधवा साहब, ये हाँ जी कोटकपूरा से चुन के आए हैं, मिस्टर जय किशन सिंह रोड़ी ये गढ़शंकर से चुन के आए हैं, मिस्टर प्रिंसिपल बुद्धराम साहब बुढ़लाडा से चुन के आए हैं, मिस्टर मीथेयर ये बरनाला से चुन के आए हैं, और मैडम रुपिंदर कौर रूबी जी ये बठिंडा रूरल से, और जो दो हमारे सदस्य बड़े अहम सदस्य जिन्होंने हमारे साथ मिलकर ये संघर्ष किया, लोक इंसाफ पार्टी की दोनों रीढ़ की हड्डी हैं, पाजी बलविंदर सिंह जी बैंस साहब, और उनके साथ बैठे हैं उनके भाई सिमरनजीत सिंह जी बैंस साहब, ये दोनों लुधियाना से चुन के आए हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं, ये आपसे मुखातिब हूँ, मिस्टर एच एस पूल का साहब। सब तो पहला तो मैं आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के नाल भाई कमर विश्वास जी और जितने भी साढ़े एम एल एज ने सारे उन्होंने जो मेरे विचे भरोसा जताया तो मैं अपोजिशन लीडर दे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हुण पंजाब दे लोकां ने सानू ते साडी पार्टी नू जो जिम्मेवारी सौंपी है वो ये सौंपी है कि जो सरकार कांग्रेस की है इन्हां दे उत्ते निगरानी रखियो, इन्हां नू गलत काम ना करन दिओ, तो इन्हां नू भज्जन ना दिओ, वादियां तो मुकर ना दिओ। असीं एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करांगे, तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करते करते नाल दी नाल ये देखांगे कि जिथे वो अपने वादे पूरे करनगे उन्हां दी सपोर्ट करांगे, जे वो अपने वादियां तो मुकरन लगे भज्जन लगे तो मुकर नहीं देवांगे भज्जन नहीं देवांगे। एक होर बड़ी वड्डी गल, चाहे असी बहुमत नहीं हासिल कर सके पर असी कई तरह तरीके नाल असी जितते हाँ, असी ये दूजियां पार्टियां नूं जनता दी महत्ता सिखाती। पहले बारी बादल ते कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच जिन्ना चोन प्रचार किया सड़कां ते उतरे आ ज़्यादा उन्होंने सिर्फ ये इलैक्शन दे विच कर दिता, जनता की महत्ता असी इन्हां पार्टियां नूं सिखाती। अगली गल, एक नवा पैसा नहीं किसे नूं दिता, एक बोतल किसे नूं शराब नहीं वंडी, ये वधू वड्डी जित। अगली वड्डी साडी जिहड़ी जित आ आ जिहड़े चेहरे तुहाडे कोले बैठे आ इन्हां चों 19 पहली वारी विधानसभा जा रहे आ, इन्हां चों ज़्यादातर पहली वारी पॉलिटिक्स च आए आ और ज़्यादातर अपने लंबे अरसे तो समाज सेवा करन वाले और आम आदमी, एक एक इन्हां चों जो ग्राउंड लैवल दे उत्ते जनता की सेवा करन वाला वो असी एक दिखा दिता सारे दुनिया नू ते सारे देश नू के पंजाब दे विच ए आम आदमी दे विधायक ने और जेड़ा एक एक असली मैनेज आम आदमी है। तो मैं सारिया का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, जो जिम्मेवारी मैंने सौंपी गई अपने वालों पूरी कोशिश करांगे कि वह जी जान दे नाल जिम्मेवारी निभाई जाए। थैंक यू सो मच। साढ़े चीफ व्हिप की जिन्होंने जिम्मेवारी दी गई है पार्टी वालों, सुखपाल खैरा साहब। धन्यवाद है सारे मीडिया का जी, और अज साड़ी पार्टी की लीडरशिप ने जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन दे और चीफ विप का जिहड़ा फैसला लिया वा वो साढ़े सिर मत्थे ते आ, मैं उन्हों का शुक्रिया अदा करदा सारी पार्टी का, अरविंद जी का और खास तौर पर कुमार विश्वास जी का, समुची लीडरशिप का। मैं अपने सारे कुलीग्स का एम एल एज जे नवे इलैक्ट होकर आए हैं पंजाब के आम आदमी पार्टी के और साढ़े सत्कारयोग लोक इंसाफ पार्टी के बैंस ब्रदर्स के जोड़े आए हैं उन्हों का भी धन्यवाद करता वा। और बहुत सारी उम्मीदा सी सानू पंजाब दे विच, लेकिन लोगों का फतवा जड़ा है वो कुछ होर आया। असी लोगों के मैंडेट का रिस्पैक्ट करते हैं और सानू ऑपोजिशन का जड़ा रोल दिता गया वो जिदा फुलका साहब ने कहा असी पूरी ईमानदारी तनदेही दे नाल निडरता दे नाल और असी ये ध्यान रखांगे कि कांग्रेस जिहड़ी कि एक किस्म का अकालिया का
उस सिक्के का दूसरा पहलू आ क्योंकि इलेक्शन हले सौ नहीं सी चुकी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो इन्हों के एक कांग्रेस के बड़े इंपोर्टेंट वर्कर ने गुरदासपुर के एक अकाली वर्कर नू गोली मार के मार दी सी। सो एक तो असं कांग्रेस को कहांगे कि जे तुसी उन्हां ही रावां ते चलना जिन्हां ते अकाली चलते रहे ने पिछले 10 साल तो वह असी होण नहीं देगा आम आदमी पार्टी। असी तुहानू विधानसभा दे विच जोरदार टक्कर देंगे। ये ठीक है कि असी कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का रोल भी अदा करांगे, असी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करांगे, जिथे तुसी ठीक काम करोगे असी साडा तुसी उम्मीद रख सकते हो। लेकिन जे तुसी अकालियां दे राह ते चले तो फिर असी ना सिर्फ विधानसभा के अंदर बल्कि बाहर भी बहुत डटमा तुहाडा विरोध करांगे। और ये जिहड़ा पंजाब की जनता ने सानू पंजाब विधानसभा दे विच चौकीदार बनाया वा उन्होंने मैं ये यकीन दवाना चाहना कि साडी पार्टी साडे सारे कुलीग्स साडे कन्वीनर गुरप्रीत घुग्गी जी असी समुचे तुहाडे नाल आ। और मैं अपनी रैंक एंड फाइल केडर नू कहना चाहना कि बिल्कुल घबराउणा नहीं गा, डिमोरलाइज नहीं होना। असी सारे तुहाडे नाल हर वक्त किसी आम आदमी पार्टी के एक भी वॉलंटियर नू अगर किसी तरह का पोलीटिकल वेंडेटा क्योंकि इन्हां नू आदत आ पुलिस का दुरउपयोग करके पोलीटिकल विक्टमाइजेशन बहुत अरसे तो पंजाब विच हो रही है, असी उहदा पूरा टुथ एंड नेल वी विल रिप्लाई। और मैं सारे अपने केडर नू कहना चाहना कि ठीक है जित ते हार जिंदगी दे दो पहलू ने, चंद दिन आपां अपना अफसोस ते जिहड़ा सोग मना लिया वा, तुसी तगड़े होवो खड़े होवो असी तुहाडे नाल आ। और असी किसी तरह का इस सरकार नू गलत नीतियां ते चलन नहीं देंगे। और ये भी इनश्योर करांगे कि जिहड़ा कांग्रेस ने अपने मैनीफेस्टो विच किसानां दा कर्जा माफ़ करन दी गल कीती है, गरीबां दलितां दा कर्जा माफ़ करन दी गल कीती है, हर घर विच एक सरकारी नौकरी देण दा वायदा कीता वा, असी उस ते पहरा दिंदिआं होइआं वी विल इनश्योर दैट कांग्रेस पार्टी इंप्लीमेंट्स द इट्स मैनीफेस्टो लेटर एंड स्पिरिट, अदरवाइज दे विल हैव टू फेस द ऑपोजिशन नॉट ओनली इन द विधानसभा बट ऑलसो आउटसाइड द विधानसभा। सो एक बार फिर सारे मीडिया का धन्यवाद करता और सारे अपने कुलीग्स का बहुत बहुत ऋणी हाँ, धन्यवाद शुक्रिया जी। एक होर बहुत अहम फैसला इस मीटिंग दे विच लिया गया वा, अरविंद जी की देखरेख दे विच जिहड़ी मीटिंग हुई है वो ये वा कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी नूं जिन्नियां आसां सी वो सीटां सानूं नहीं आईआं, इहदे वास्ते जिन्हें साडे जिते हुए MLAs आ और जिहड़े साडे साथी हार गए आ उन्हां सारिआं नूं कहा गया वा कि वो लिखती रूप दे विच जो उन्हां नूं लगदा जो कारण बणे आ कि सानूं उन्नियां सीटां जिन्हां दी आस सी वो नहीं आईआं। अज सवेरे अरविंद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसे दस्या वा कि सानू EVMs के उत्ते बिल्कुल यकीन नहीं, इस तो इलावा जोड़े कुछ होर कारण हो सकते हैं भी जिदे करके सानू सीटा नहीं आईया, वो सारे कारण लिखती रूप के जोड़े साढ़े पार्टी के स्टेट के कन्वीनर है गुरप्रीत सिंह वड़ैच उन्होंने असी लिखती रूप देवे क्योंकि साड़ी कोशिश आ एनालाइज कर विश्लेषण कर की कारण बने हैं कि जिन्हिया सूँ सीटा चाहिए सी वो नहीं आ सकिया। सो य भी एक प्रोसैस जोड़ा वा वो अज तो शुरू हो गया। No, I won't say poor, as already explained by my colleagues here. We are the opposition party, the main opposition party in the Vidhan Sabha. And the very fact that we did not win as many seats as we expected, I think we started, that is exactly why we have started this exercise today of analyzing what possibly went wrong. Mr. Kejriwal has already stated today that, you know, we have a strong suspicion that the EVMs were made to misbehave. And that is how the mandate that is ours has been stolen by somebody else. But in addition to that, if there are any possible other reasons, we are looking into that, and that is how this exercise has been started today. Congress da te Amrinder da vaada hai Punjab de lokaan de naal ke oh SYL nahi ban denge te saada vi vaada hai assi Captain Amrinder Singh di sarkar di puri support karange ke oh SYL nahi ban ditti jave। जी सर, तमाम एनालाइज किया जाएगा कि आखिर हार क्यों हुई। एक बड़ी बात ये भी पूछ रही है कि चेहरा नहीं दिया गया, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जा रहा है? चर्चा कर लीजिए। देखिए, जो हमने अभी कहा कि एक मीटिंग होगी, कारण ढूंढेंगे, उसमें से एक इशू ये भी हो सकता है, ये कोई जब चर्चा नहीं हुई जब तक तो उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। थैंक यू।